हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग भी अपने अपने घरों में मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे हाँ रख ली, देखो भैया गिर गया घर में। देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं और एक घंटा का रास्ता था तो सभी लोग आ गए हैं और यहाँ पर किसी की बर्थडे है। अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं और बता ही देती हूँ, ये चाचा का घर है मेरे और हम लोग, चाचा थोड़ा गांव में रहते हैं, थोड़ी ही दूरी पे है हमारे घर से। और हम सभी लोग आए थे और उनके पोती का पहला बर्थडे था, इसीलिए उनका बेटा भी बाहर ही रहता है। अब इधर रोक दो, दो तीन दिन कपड़ा लाई है। कुन्नू कहाँ है? कुन्नू ना, कुन्नू वीडियो बनाया लग रहा था। कुन्नू किसका बर्थडे है? कुन्नू ही बोल रही था। हमेशा के लिए यूट्यूब पे आ जाएगा तो जिंदगी भर के लिए रहेगा, हमेशा लाइफ टाइम के लिए, जब चाहो तब देख लो यादें पुरानी। कुन्नू आप ब्लॉग बना रही हो ना, क्या कर रहे हो कुन्नू? आज बर्थडे किसका? हैप्पी बर्थडे किसका है? क्यों हैप्पी बर्थडे किसका है? कुन्नू का है ना? सभी लोग बैठे हुए हैं और अब केक कटने की तैयारी हो रही है क्योंकि हम लोगों को वापस भी जाना है और आज मौसम भी नहीं सही है, पूरे दिन बारिश पड़ी है, बाहर भी बहुत कचकच है। हम लोग गाड़ी से आए थे तो गाड़ी का पहिया भी फंस गया था तो बड़ी मुश्किल। देखिए मेरी चाची बाहर बैठी हुई है, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग आए हुए हैं तो उनको भी देखना ज़रूरी है। हम लोग तो घर के हैं तो सभी लोग अंदर ही बैठे हुए अपनी बातें कर रहे थे और बुआ भी आई हुई थी तो बुआ की नंदे भी हैं, वो सब लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। देखिए केक भी आ गया है और केक कटने जा रहा है। केक कटिंग के समय कुन्नू बहुत रो रही थी क्योंकि गर्मी भी हो रही थी और पंखा बंद कर दिया गया था कैंडल जलाने के लिए। और देखिए सब लोग खड़े हो गए हैं, अब केक कट चुका है और कुन्नू कितना रो रही है। देखिए टीका भी नहीं करवा रही है सही से, लेकिन सभी लोगों ने जहे तसे करके टीका कर दिया था। और अभी बहुत छोटी है, अभी एक ही साल की हुई है तो अभी नासमझ है बिल्कुल। देखिए अब सब लोग टीका वगैरह कर रहे हैं और रात का 9:30-9:30 के लगभग समय हुआ है और हम लोगों को वापसी भी करनी है क्योंकि रात का समय है और मौसम भी सही नहीं है, बारिश भी पड़ रही है रुक रुक के। तो अब हम लोग भी खाना वगैरह खा के निकलेंगे। और ये चाची पहले शहर में ही रहती थी तो मैं ज़्यादा जाया आया करती थी इनके पास और अब वो वहाँ दूर हो गई हैं तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ, लेकिन चाची बहुत मानती हैं मुझको तो बहुत कह रही थी कि कभी आओ तो रुको आके, लेकिन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है और लोकल में होता है तो चली भी जाती थी पहले मैं इनके पास, लेकिन अब दूर हो गया है तो मैं अकेले ऐसे कैसे चली जाऊँ। मन तो बहुत होता है कभी जाऊँ तो एक दो दिन इनके पास रुकूँ क्योंकि वो भी दोनों लोग अकेले रहते हैं और उनके दोनों बेटे बाहर ही रहते हैं, जॉब करते हैं वो लोग। देखिए सब केक खा रहे हैं, नाश्ते में समोसे वगैरह थे लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि तुरंत ही खाना भी खाना था और निकलना भी था, अगर रुकना होता तो
तीन लोगों की। कोई रात नहीं थी, देखिए कितनी काली अंधेरी रात है और अभी 9:15 का समय ही हुआ है। खाना खाने के टाइम पे मौसम बरसात के दिनों में ऐसे ही होती हैं रातें अंधेरी बिल्कुल। लो लाइट के आगे से हटो, कर लो लाइट के आगे से हटो। कोई नहीं खाएगा, बता रहे हमारे घर कोई खाए, मोटी मोटी खाएंगे। पतली बन नहीं है, हाँ बाद में हो जाएंगे, दोबारा डाल दियो गर्म हो जाएगा बाद में। देखिए कुछ लोग बाहर खाना खा रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस के गांव वाले, और कितना अंधेरा है। सब जाने की तैयारी में है, सभी लोग निकल रहे हैं, लोग भी खाना खाने के लिए रेडी हैं। कुछ लोग जा भी चुके हैं, भीड़ भी कुछ कम हो गई है, लोग भी अंदर खाना बैठ के खाने जा रहे हैं। पूरी पतली वाली बन रही है, उसी पूरी पतली वाली बनवा रही है, तभी तो वहाँ बैठ के करने लगी। वो मोटी मोटी पूरी थी वही खस्ता वाली कचौड़ी बनी है, वो सब जो मोइन डाल के बनती है वो मोटी मोटी थी, तो उन्होंने बिगड़वा के फिर लोही अपने आप बनाई। रुची तभी तो रुक गया, मैंने पूरी तो बनी रखी है। 10 रुपये आज पड़ा लग रहा है। नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, हाँ नहीं पड़ा। तुम्हारे पापा हैं? एक गाना बोल रहे हो सर, गया इनका सोने का लाए दो, छोटा सा एक पैसा होता है, सोने का लाए लो एक छोटा सा। क्यों तो 8 रुपये पहनी हो, कान पक जाइए। नहीं का नहीं पहन, कान ना पक जाइए। जब कमावे लगे हैं तो सोने का नाम लाइए। सोना कोई बहुत बड़ी चीज है, अब सोना अब तो सब चीज महंगाई है, तो सोना कोई बहुत बड़ा थोड़ा ना है। सोने राखी बांधी हुई है, उनके यहाँ पैसा भरे लिए क्या पक्के बोले राखी है, ये 2,250 बात पक्के ला रही है। देखिए सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, देखो तो वीडियो गेम रात में खेलना है तो सर दबवाया जा रहा है। हम नहीं खेलने जा रहे, सर खेलेंगे, सर खेलेंगे, इसलिए सर दबा रहे हैं भैया का। बस ये वीडियो कट है, ये तो बना लो वीडियो, ये बना दो और ऐसे बन रही है, बन रही है। पंडित बनाया था लगाते फोन किस तरह मेरा ही है बस। ये मेरी चाची की बेटी है और ये भी बाहर से आई है, तो मैं फोटो खिंचवा रही थी। बाहर फोटो खिंचवा रही हूँ, बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब सब लोग का मिलना होता है, क्योंकि कभी कोई होता है तो कभी कोई नहीं होता है, और इस समय जितने लोग भी हैं सब लोग मिलके फोटो खिंचवा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तभी मिले थे, और उसके बाद अब मिल रहे हैं सब लोग। फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं, देखिए बाहर कितना कीचड़ है और
चाची का घर थोड़ा पीछे को है, उनके घर के आगे फील्ड पड़ी हुई थी, पानी भर जाता है तो कचपच हो जाती है, बारिश जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुश्किलों से हम लोग निकल, बड़ा खुशी मिलती है जब अपनों से मिलते हैं तो। कभी कभी ये मौका मिलता है, अब लाइफ में इतना समय ही नहीं है किसी के पास जो दो मिनट बैठ के बात कर सके। देखिए यहाँ की बहुत फेमस जगह है ये तीर्थ, और यहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन और मरजटना कराने के लिए आते हैं। और बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग में रात के समय, हम लोग पहले